को काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर आपको ये देखना चाहिए कि इंडस टावर जो है इसके अंदर एक बढ़ते कदमों के साथ अपने को अच्छा संकेत के लिए इस पहल के तहत आगे ले जा सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर GTL इंफ्रा और इंडस टावर की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक विचार रखा है देश के लिए। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म, यानी कि जो पुलिस की वर्दी होती है ना, जो ब्रिटिश काल से चलती आ रही है वर्दी जो आजकल हमारे पुलिसकर्मी पहनते हैं, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग जो वर्दी होती है वो सबकी चेंज होती है। तो उन्होंने आग्रह किया है कि वो सारे के सारे एक जैसी पुलिस की वर्दी हो। तो उनका कहना है कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म, यानी कि जो पुलिस की वर्दी कहीं खाकी है, कहीं अलग अलग रंग की है, रंगों में बट गई है, जो खाकी द्वारा दी गई थी ब्रिटिश के ज़माने से पहनी जाती रही है और आजकल अपने रंगों के द्वारा अलग अलग जगह पुलिस की वर्दी होती है, तो उन्होंने पुलिस की वर्दी को एक जैसा रखने का वादा किया है। यानी कि उन्होंने एक ऐसा विचार एक रखा है। इससे पहले भी उन्होंने अलग तरीके की भी इस तरीके की बातें रख चुके हैं, जिस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड की भी इन्होंने एक ऐसी पहल करी थी वो जो पूरी हो चुकी है। तो अब जाकर ये पुलिस कर्मियों के लिए भी वर्दी जो है एक जैसी ही रहेगी पूरे इंडिया में। तो ये एक अच्छा संकेत जो है मोदी जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो बात करते हैं सर GTL इंफ्रा की और इंडस टावर की, इनके ऊपर क्यों अच्छी सी एक न्यूज़ निकल कर जो हमारे दूर संचार मंत्री अश्नवी वैष्णव की तरफ से आ रही। उन्होंने कहा है कि प्रति सप्ताह 10,000 टावर दूर संचार कंपनियों को लगाना चाहिए, उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 5G को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जो टावर लगने की उनकी उम्मीद है प्रति सप्ताह, वो उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास वो भी करेंगे। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 5G को आगे ले जाने की जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए सरकार मदद करने के लिए दूरसंचार कंपनियों के तैयार है। यानी कि कहीं ना कहीं GTL इंफ्रा हो गया, इंडस टावर हो गया, ये टावर में आपको काम करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर आपको ये देखना चाहिए कि इंडस टावर जो है इसके अंदर एक बढ़ते कदमों के साथ अपने को अच्छा संकेत के लिए इस पहल के तहत आगे ले जा सकता है। लेकिन हाल ही में जो अभी टावर लगाए जा रहे हैं, यानी BTC यानी कि बेस ट्रांसमिशन सीवर स्टेशन जो लगाए जा रहे हैं, वो अभी सिर्फ 2500 करीब है। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी है कि इतनी जल्दी ये 10,000 तक नहीं पहुंच सकते प्रति सप्ताह। तो अभी जो 2500 है थोड़ा थोड़ा से हल्के हल्के बढ़ा दिया जाएगा ये भी कहा गया है। तो एक अच्छे संकेत जो है टावर के द्वारा निकलते जा रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब इसकी वजह से GTL इंफ्रा में आपको ज़्यादा शेयर मत ले लेना, क्योंकि GTL इंफ्रा तो मैंने आपको बताया कि सर ये पैनी स्टॉक है, लेकिन इसके वजह से यहाँ पर हमें इंडस टावर देखने को अच्छा मिल रहा है। किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इंडस टावर जो गिरता जा रहा है ना, कि शेयर गिरता जा रहा है, इसका रिजल्ट भी अभी आया, 872 करोड़ रुपये करीब का इन्होंने प्रॉफिट दिया है, जो साल दर साल 44% इन्होंने कम कर दिया है, यानी प्रॉफिट इनका कम हो गया है। मुख्यतः जो वजह गिरावट की है इंडस टावर में वो वोडाफोन आइडिया, जिस तरीके से पैसा इनको नहीं दे रहा है, इंडस टावर ने कहा था कि नवंबर तक के हम सेवा बंद कर देंगे, तो उसे देखते हुए भी ये थोड़ा सा झेल रहा है वोडाफोन आइडिया की वजह से गिरावट, ये भी न्यूज़ में निकल कर आ रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया को जो भी पैसा इंडस टावर को देना, उससे इंडस टावर आगे जाकर या अभी भी अच्छा हो सकता था, लेकिन वो उम्मीद नहीं है इंडस टावर को जल्दी से वो पैसा मिले, डाउटफुल है। तो इसकी वजह से इन्होंने 1770 करोड़ रुपये का प्रोविज़न भी कर लिया है। तो ये बड़ी संकट की चीज़ें इसके अंदर वोडाफोन आइडिया के लिए निकल के आ रही है, और इसकी वजह से इंडस टावर भी कहीं ना कहीं अपनी काम के प्रति जो है जागरूकता तो है, लेकिन पैसों की कमी तो सर हर कंपनियों की होती है। जिस वजह से वोडाफोन आइडिया पैसा नहीं दे रहा है उसकी वजह से इनके शेयर भी प्राइस नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये नाम सा एक वोडाफोन आइडिया इंडस टावर के साथ जुड़ गया है, तो ये भी काफ़ी दिनों तक आपको इस चीज़ों में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको तो पॉजिटिव संकेत इंडस टावर के प्रति बनाकर चलने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ही आपको
इंडस टावर जो है बेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और अभी भी ये बेस्ट ही है जिस तरीके से सरकार ही कह रही है भाई 10,000 प्रति सप्ताह जो टावर लगेंगे। अब ये तो नहीं कि सारे सारे इंडस टावर लगाया, कुछ ZTL भी लगाया, कुछ अदर कंपनियां भी लगाएंगी, तो एक पॉजिटिव संकेत है कि हाँ 5G जल्दी करने के लिए, अच्छा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए सरकार भी कंपनियों का साथ देगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत बन जाते हैं ZTL इंफ्रा और इंडस टावर के लिए। फिर भी ZTL इंफ्रा में थोड़ा सा दिमाग आपको कम ही करना है, ज़्यादा पैसा इन शेयरों में नहीं लगाना है। तो सरकार ने कह दिया है कि हम टावर लगाने वाली कंपनियों की हर संभव प्रयास करेंगे 5G को लाने के लिए, जो भी वो काम कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी ने कह दिया है कि पूरे भारत में एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए पुलिस की, इसकी वजह से बल भी मिलता है और लोगों को पहचानने का एक मौका जो है, पुलिस को वर्दी देख के पहचानते हैं, वो भी एक जैसा ही रहेगा सब जगह। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।